फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। अभी मॉड्यूल 3 का आज हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में हमने 555 टाइमर आईसी का पिनआउट डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम को कंसीडर किया था। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ 555 टाइमर आईसी। जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो टाइमर आईसी होती है, इसका मेन पर्पस टाइम डिले प्रोवाइड करना और एज ए ऑसिलेटर काम आता है। तो एज ए ऑसिलेटर या एज ए मल्टी वाइब्रेटर, इसकी मेनली तीन एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है कि 555 टाइमर आईसी एज ए बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। जैसा कि नाम से क्लियर है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मीन्स इसमें दो स्टेट स्टेबल होती है। सेकेंड है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जिसमें इसकी एक स्टेट स्टेबल रहती है और एक स्टेट अनस्टेबल रहती है। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, थर्ड इज एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसकी कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं रहती, ये हाई लो होता रहता है। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि 555 टाइमर आईसी बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह कैसे वर्क करता है। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं टाइमर एस BMV। BMV मीन्स बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस नाम से क्लियर है, बाई स्टेबल मीन्स दोनों स्टेबल, मतलब इसकी जो दो स्टेट होती है, दो स्टेट मीन्स हाई या लो, हमारा आउटपुट या तो हाई मिलेगा या लो मिलेगा। तो ये दोनों स्टेट स्टेबल रहेगी जब तक कि हम इसमें ट्रिगर पल्स ना दें। तो बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का जो फंक्शनल डायग्राम है, ये जो हमने बेसिक इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था, लगभग वैसा ही है। कुछ ही कॉम्पोनेंट्स इसमें काम आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इसमें जो चेंजेस हैं वो ये होते हैं कि जो सेकेंड पिन होती है हमारी, सेकेंड पिन को हमने देखा था कि नॉर्मली जब यूज़ नहीं कर रहे, मतलब कोई भी ट्रिगर पल्स नहीं दे रहे, तो इसको हम VCC से कनेक्ट करते थे ताकि ये जो इनपुट है ये क्या बना रहा है, ज़ीरो बना रहा है जब हम ट्रिगर पल्स नहीं दे रहे हैं तब। तो सेकेंड को VCC से कनेक्ट करने के लिए हम एक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। उस रेजिस्टेंस के थ्रू इसको VCC से जोड़ा जाता है ताकि इस पे वोल्टेज VCC से थोड़े ही कम होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी पिन है वो है फोर्थ नंबर पिन रीसेट वाली। जब हमको रीसेट नहीं करना है, 0-0 नहीं करना है, हमें तो जो इनपुट दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट चेंज होना चाहिए, तो उस केस में इस पिन को भी हम VCC से कनेक्ट करते हैं। ये सारे कनेक्शंस हम पिन आउट डायग्राम में देखेंगे, क्योंकि इसमें लॉन्ग कनेक्शन लेके जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं वैसे ही बता रही हूँ कि फोर्थ पिन को VCC से कनेक्ट करते हैं, सेकेंड पिन को भी VCC से कनेक्ट करते हैं, लेकिन एक रेजिस्टेंस के थ्रू, ताकि यहाँ पे वोल्टेज VCC से थोड़े कम मिलते हैं। उसके बाद जो पिन नंबर 5 है हमारी, जिसमें हम कंट्रोल वोल्टेज देते हैं, वो बायस्टेबल मोड में इसको हम ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो हमारा नॉइज़ है वो उसमें रिड्यूस हो जाए। इसके अलावा जो हमारी सेकेंड नंबर पिन है, जब हम कुछ भी पल्स यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, तो इसको भी एक रेजिस्टेंस के थ्रू, डायरेक्टली ग्राउंड नहीं करते, एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है। ये कुछ चेंजेस हम करते हैं 555 टाइमर आईसी में, जब इसको बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह यूज़ लेना है। और जो सेवन्थ पिन होती है वो इसमें नॉट कनेक्टेड रहती है, मीन्स सेवन्थ पिन का यहाँ पे सेवन्थ पिन से कुछ भी कनेक्ट नहीं होता, एक्सटर्नली कोई कैपेसिटर वगैरह कनेक्ट नहीं किया जाता है। तो सेवन्थ पिन इस केस में NC मीन्स नॉट कनेक्टेड रहती है। तो ये कुछ चेंज बेसिक फंक्शनल डायग्राम में हम करते हैं। ये चेंजेस हम अभी इसका जो ब्लॉक डायग्राम या पिन आउट डायग्राम बनाएंगे उसमें मैं शो करूँगी कि क्या किया। मैं एक बार इसको वापस रिपीट करती हूँ कि पिन 7 इसमें नॉट कनेक्टेड रहती है, पिन नंबर 2 को हम VCC से कनेक्ट करते हैं बट थ्रू द रेजिस्टेंस, और पिन नंबर 4 जो रीसेट होती है इसको VCC से जोड़ा जाता है, पिन नंबर 1 ग्राउंड होती है, और जो पिन नंबर 5 है इसको भी ग्राउंड किया जाता है ताकि नॉइज़ रिड्यूस हो जाए, और पिन 6 को एक रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड से जोड़ा जाता है। ये चेंजेस हम बेसिक सर्किट में करते हैं। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि ये एक रजिस्टिव डिवाइडर नेटवर्क है जिसमें तीनों इक्वल वैल्यू के रजिस्टेंस लगे हुए हैं, और इसको कनेक्ट किया हमने VCC से। तो हमने देखा तीनों इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं, तो सब पे वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होंगे, तो इस पे भी VCC/3, इस पे भी VCC/3, और इस पे भी VCC/3। अगर हम इस पॉइंट के वोल्टेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेज़र करते हैं तो उसकी वैल्यू हो गई VCC/3। इस पॉइंट पर अगर हम वोल्टेज मेज़र करें विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो VCC/3 यहाँ तक के वोल्टेज, VCC/3 यहाँ के, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज हो गया हमारा 2/3 VCC। और ये दोनों, जैसा कि हम जानते हैं, कंपेरेटर 1 एंड कंपेरेटर 2 आर बेसिकली ओपेम। ओपेम के दो इनपुट टर्मिनल होते हैं,
ये है नॉन इन्वर्टिंग, जिस पे प्लस लिखा है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और जिस पे लिखा है माइनस वो इन्वर्टिंग टर्मिनल। कंपैरेटर का आउटपुट हाई तभी होगा जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी इस टर्मिनल के वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल से ज़्यादा होंगे, तब इसका आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज इसका आउटपुट लो मिलेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसा कि हमने कहा बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में दोनों स्टेट यानी जो हमारा आउटपुट हाई मिल रहा है तो हाई बना रहेगा और आउटपुट लो है तो लो ही बना रहेगा जब तक कि ट्रिगर पल्स नहीं दी जाए, एक्सटर्नली ट्रिगर पल्स इसको नहीं दी जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ के वोल्टेज VCC बाय 3 हो गए, तो जो ओपेम सेकेंड है इसके ओपेम सेकेंड का जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इस पर वोल्टेज है VCC बाय 3 और जैसा कि इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है अभी VCC से एक रेजिस्टेंस के थ्रू, तो VCC से थोड़े से कम यहाँ पे वोल्टेज होते हैं बट उनकी वैल्यू VCC बाय 3 से ज़्यादा होती है। तो इनिशियली इसके यहाँ पे आउटपुट 0 मिल रहा है क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज का मान नॉन इन्वर्टिंग से ज़्यादा है तो ये 0 है। यहाँ भी कोई ट्रिगर पल्स नहीं ले रहे और एक रेजिस्टेंस के थ्रू उसको ग्राउंड कर रखा है, अभी कोई पल्स नहीं आ रही, तो इसको अगर हमने ग्राउंड कर रखा है तो ये भी 0 होगा। अब दोनों कंपैरेटर का आउटपुट एक फ्लिप फ्लॉप को दिया हुआ है, ये SR फ्लिप फ्लॉप काम में लिया है, SR फ्लिप फ्लॉप के S इनपुट पे कंपैरेटर फर्स्ट का आउटपुट आ रहा है और कंपैरेटर सेकंड का आउटपुट R पे दे रहे हैं। जब हमारे दोनों इनपुट S और R 0 रहेंगे तो अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखा था कि ये कैसे वर्क करता है। तो हमने देखा कि SR फ्लिप फ्लॉप में दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं और दो आउटपुट होते हैं, तो हम सिर्फ अभी इसको क्यू को कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें पता है कि दो आउटपुट होते हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मीन्स क्यू 0 है तो क्यू बार 1 होगा और ये 1 है तो क्यू बार 0 होगा। तो हमने कंसिडर कर लिया कि SR ले लिए दो इनपुट और Qn+1 हमने नया आउटपुट ले लिया, तो जब S और R दोनों 0 होते हैं तो हमारा आउटपुट प्रीवियस बना रहता है, मतलब पहले जो आउटपुट था वही रहता है। जब S की वैल्यू 0 होती है और R की वैल्यू 1 होती है तो हमारा आउटपुट 0 रहता है, और जब S1 और R0 होता है तो हमारा आउटपुट 1 आता है, और जब दोनों 1-1 होते हैं तो आउटपुट हमारा इनडेफिनेट होता है। तो SR फ्लिप फ्लॉप को 1-1 की कंडीशन में यूज़ ही नहीं करते, तो ये तीन कंडीशन हमारे काम में आएगी इस फ्लिप फ्लॉप में। तो अभी हमने देखा कि कोई भी पल्स नहीं है तो S भी 0 है R भी 0 है, तो हमारा जो ये आउटपुट है Q इसको हम लिखते हैं Qn+1 मीन्स न्यू आउटपुट कह सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको क्यू से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अब जो आउटपुट आएगा Qn+1 मतलब नया आउटपुट और Qn मतलब प्रीवियस आउटपुट। तो हम ये देख रहे हैं कि इस समय क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, पहले वाला ही बना रहेगा यानी प्रीवियस जो आउटपुट था वही रहेगा। तो सपोज कर लीजिए हम प्रीवियस ये आउटपुट मान लेते हैं हम कि ये 1 है, ये 1 है तो ये वाला हमारा 0 मिलेगा, तो इस IC का जो आउटपुट थर्ड पिन पे मिल रहा है वो समय लो मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा। अब चूंकि Q1 है तो ये एक डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है, डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर में कंडक्ट करेगा, लेकिन इस सर्किट में जो 7 पिन है इससे हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रखा है बायस्टेबल मोड में, मीन्स दिस टर्मिनल इज नॉट कनेक्टेड, तो यहाँ कोई भी कैपेसिटर वगैरह नहीं है तो इसका कोई वर्किंग नहीं है इसमें, मतलब कोई किसी भी कंपोनेंट को ये पाथ नहीं दे रहा है डिस्चार्जिंग के लिए क्योंकि एक्सटर्नली कुछ कनेक्टेड ही नहीं है, ओपन रहती है पिन, तो इस समय इसकी कोई वर्किंग नहीं है। पिन 4 को नॉर्मली हम VCC से कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम क्या चाहते हैं जो इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट चेंज हो, हम ये नहीं चाहते कि आउटपुट 0-0 बना रहे, अगर 0-0 करना है तो रीसेट पे हम एक नेगेटिव गोइंग पल्स देंगे, लेकिन अभी इस समय इस सर्किट के अंदर 4th पिन को VCC से कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारा आउटपुट इस समय प्रीवियस बना रहा, तो प्रीवियस हमने अज्यूम किया था कि Q1 है तो Q बार हमारा 0 है, तो इस पे हमारा आउटपुट अभी इस समय लो बना रहा। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा आउटपुट अपनी स्टेट को चेंज करे, लो से हाई हो या जो भी हाई से लो हो, तो इसके लिए हम सबसे पहले नेगेटिव गोइंग पल्स देते हैं ट्रिगर इनपुट पे। ट्रिगर इनपुट पे जब नेगेटिव गोइंग पल्स दी तो यहाँ के वोल्टेज स्पिन के वोल्टेज डाउन जाएंगे, जब इन वोल्टेज की वैल्यू इस VCC बाय 3 से कम होती है तो अगर नेगेटिव पिन पे यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग से कम हो जाते हैं तो इस ओपेम का आउटपुट हाई हो जाता है, मीन्स इस ओपेम का आउटपुट 1 मिला,
अभी यहाँ हम कोई पल्स नहीं दे रहे, एट ए टाइम हम एक पे ही देंगे, तो अभी हम ट्रिगर इनपुट पे दे रहे हैं, तो ये जीरो रहा और ये वन रहा। जैसा कि हमने देखा था एस आर फ्लिपफ्लॉप के अंदर जब एस जीरो और आर वन है तो आउटपुट हमारा ज़ीरो मिलता है, तो हमारा जो क्यू आउटपुट है उसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, और क्यू ज़ीरो हो गया तो क्यू बार की वैल्यू हो गई हमारे वन। जैसे ही क्यू, अब इससे तो ये जो क्यू आउटपुट है ये इस ट्रांसफर से कनेक्टेड है, लेकिन हम इसको बायस्टेबल मोड में इसको यूज़ ही नहीं कर रहे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्यू बार को हम देखें तो क्यू बार वन हो गया, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, लो से हाई हो गया, मीन्स हमारे इस समय आउटपुट जो मिलेगा वो हाई मिलेगा, वन मिलेगा। अब इसका भी अपना कोई रोल नहीं है क्योंकि इसको हमने फोर्थ पिन को वीसीसी से कनेक्ट कर दिया, तो इस समय हमारा हाई रहा। अब ये आउटपुट हाई बना रहेगा जब तक कि हम सिक्स पिन पे ट्रिगर पल्स ना दें, क्योंकि क्या हुआ, पल्स आई इस पे नेगेटिव हुई, पल्स क्या होती है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन का सिग्नल होता है, ये आने के बाद डिसअपेयर हो गई, तो ये वैल्यू क्या हो गई, वापस से ज़ीरो हो गई। ये जीरो होते ही हमारा एस और आर दोनों ज़ीरो हो गए, तो आउटपुट प्रीवियस मेंटेन रहेगा, और प्रीवियस वैल्यू थी हमारा आउटपुट हाई, तो ये हाई ही बना रहेगा, मींस ये स्टेट स्टेबल रहेगी। अब अगर हम इस स्टेट को चेंज कराना चाहते हैं, हाई से लो करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड इनपुट पे पॉजिटिव गोइंग पल्स देंगे। अगर थ्रेशोल्ड पे अब पॉजिटिव गोइंग पल्स देने के लिए अभी हम देखते हैं कि जो ये फिफ्थ पिन है, इस फिफ्थ पिन को हमने यहाँ पे ग्राउंड कर रखा है ताकि नॉइस ना हो। फिफ्थ पिन के इस पॉइंट पे रेफरेंस वोल्टेज है 2/3 VCC। अब इस 2/3 VCC वोल्टेज इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आ रहे हैं, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज जब तक इस 2/3 VCC से ज़्यादा नहीं होंगे तो ये स्टेट चेंज नहीं करेगा। थ्रेशोल्ड पिन पे जब पॉजिटिव गोइंग पल्स आती है और उसका मैग्नीट्यूड इस रेफरेंस वोल्टेज 2/3 VCC से एक्सीड करता है, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज इन्वर्टिंग से ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में इसका आउटपुट हाई हो जाता है, मीन्स ये वन हो जाएगा। ये तो ज़ीरो हो गया, क्यों, क्योंकि पल्स डिसअपेयर हो गई थी नेगेटिव गोइंग, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो, क्योंकि सेकेंड पिन को उसके बाद VCC से आर के थ्रू VCC से कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर एस वन और आर जीरो है तो हमें पता है हमारा आउटपुट वन होगा, तो क्यू की वैल्यू हो जाती है वन और क्यू बार की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो। तो हम देख रहे हैं हमारा जो आउटपुट मिलेगा इस आईसी का वो हाई से लो हो गया, हाई की जगह उसकी वैल्यू क्या हो गई, लो हो गई, यानी इसने स्टेट चेंज कर ली जब हमने यहाँ पे ट्रिगर पल्स दी। अब इस समय वही सेवेंथ पिन पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसकी कोई वर्किंग नहीं है, और वैसे भी ये वन हुआ, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो इसका कोई रोल नहीं है। फोर्थ पिन को हमने VCC से कनेक्ट कर ही दिया क्योंकि हमें इसको 0-0 नहीं करना है, तो हमारा आउटपुट इस समय लो हो गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें आउटपुट को लो करना है तो सेट को हाई रखना पड़ेगा, और जब आउटपुट को हाई करना है तो रीसेट को हमको हाई रखना पड़ेगा। अब जो ये आउटपुट लो हुआ है ये लो स्टेट बनी रहेगी, क्यों, क्योंकि जब ये ट्रिगर पल्स डिसअपेयर हो जाती है तो हमारा आउटपुट यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, और एस और आर जीरो होने पर हमारा आउटपुट प्रीवियस ही बना रहता है। तो प्रीवियस कंडीशन ये थी कि हमारा आउटपुट लो आ रहा था, तो ये लो ही बना रहा, मीन्स ये स्टेट भी इसकी स्टेबल हो गई। तो हमने बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के बारे में बोला था कि इसकी दोनों स्टेट स्टेबल होती है, आइदर हाई और लो, तो अब ये लो बना रहेगा जब तक कि हम इस सेकेंड पिन पे वापस से ट्रिगर पल्स ना दें। सेकेंड पिन पे वापस से नेगेटिव गोइंग ट्रिगर पल्स देते हैं तो वही साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से ये हाई लो रहता है, और ये मेनली स्क्वायर वेव जनरेट करने के काम आता है बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अब इसकी वर्किंग को, ये तो हमने फंक्शनल डायग्राम से इसकी वर्किंग समझी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था फोर्थ पिन को कहाँ कनेक्ट करते हैं, सेकेंड को कहाँ करते हैं, वो हम इसके पिनआउट डायग्राम में कनेक्ट करते हैं, पिनआउट डायग्राम आप बनाते हैं। अभी हमने 555 IC के फंक्शनल डायग्राम से वर्किंग समझी थी कि ये बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह कैसे वर्क करता है। जैसा कि हमने देखा कि बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में हाई या लो दोनों ही स्टेट स्टेबल रहती है। अगर हमें स्टेट चेंज करानी है तो हमें ट्रिगर पल्स देनी पड़ेगी। सेकेंड पिन पे अगर हम देते हैं तो नेगेटिव गोइंग ट्रिगर पल्स देनी थी, और सिक्स पे देते हैं तो पॉजिटिव गोइंग ट्रिगर पल्स हमें देनी थी।
अब जो हमने कुछ चेंजेस किए थे IC555 के, वो चेंजेस हम फंक्शनल डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, तो वो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। ये इसका पिनआउट से जो हमने एक तरह का डायग्राम बनाया है उससे हम पता कर सकते हैं कि क्या क्या बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह यूज़ करने के लिए क्या क्या चेंजेस हमको करना होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 7 पिन को नॉट कनेक्टेड रहते हैं, तो हमने इसको ओपन छोड़ दिया। फिर हमने देखा था जो सेकेंड पिन है, जब इस पर कोई भी ट्रिगर पल्स नहीं आती है तो इसके वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली VCC के इक्वल रहने चाहिए, तो हमने इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू VCC से कनेक्ट कर दिया। थोड़ी ही वैल्यू कम होती है इसकी VCC से, तो ये सेकेंड पिन में किया हमने चेंजेस। 6 पिन को हमने एक रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और 1 नंबर पिन तो हमारी ग्राउंड होती ही है। 5th नंबर पिन को भी हमने एक कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड किया ताकि ये नॉइज़ को इसमें रिड्यूस किया जा सके। और 4th पिन जो कि रीसेट के लिए काम आती है, अगर हमें रीसेट नहीं करना है तो इसे हम VCC से कनेक्ट करते हैं। 8th पिन अपनी होती ही VCC है, उस पर सप्लाई देनी होती है, तो वो VCC हमने दे दी। 3rd पिन पे हम आउटपुट लेते हैं। तो ये हमारा बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का पिन आउट डायग्राम, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्लॉक डायग्राम हो गया है। बाकी इसकी मेन वर्किंग हम फंक्शनल डायग्राम से देख चुके हैं कि कब स्टेट चेंज करता है, जब सेकेंड पिन पे नेगेटिव गोइंग देते हैं तब चेंज करता है, या फिर 6th पिन पे पॉजिटिव गोइंग पल्स देते हैं तो आउटपुट चेंज होता है। अब बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।